इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख। एक साथ 500 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी उतरे सड़कों पर। पुलिस अधीक्षक सहित अति पुलिस अधीक्षक सभी एसडीओपी एवं समस्त थाना प्रभारी सहित जिला पुलिस बल के पुलिस अधिकारी कर्मचारी कॉम्बिंग गश्त में रहे मौजूद। देर रात्रि 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार जारी रही पुलिस की कार्यवाही। जिले में कुल 277 वारंटी किए गिरफ्तार, जिसमें स्थायी गिरफ्तारी एवं वसूली वारंटी शामिल। आधी रात को राजगढ़ पुलिस के गुंडा बदमाशों के घरों पर औचक दस्तक। महज 5 घंटे के भीतर लिस्टेड 232 गुंडा बदमाशों को किया चेक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के दिशा निर्देश अनुसार सब पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना ने समस्त जिला बल को पैदल गश्त को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक श्री बीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में लगातार पूरे जिले के पुलिस दल बल के साथ प्रभारी पैदल गश्त किया जा रही है, एवं साथ ही जनसंवाद भी लगातार किया जा रहा है। इसी तारतम्य में विगत रात्रि को राजगढ़ पुलिस द्वारा जिला स्तर पर कॉम्बिंग गश्त की गई, जिसमें स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बीरेंद्र कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद, समस्त एसडीओपी, समस्त थाना प्रभारी सहित जिला पुलिस अमला रात भर सड़कों पर मौजूद रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कई वर्षों से फरार चल रहे वारंट शुदा शातिर अपराधियों की गिरफ्तार, लिस्टेड गुंडा बदमाशों का औचक चेकिंग, रात्रि में सक्रिय अपराधियों की धरपकड़, अनेक सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए। इसमें 203 गिरफ्तारी वारंट, 64 स्थायी वारंट, 10 वसूली वारंटी, कुल 277 वारंटियों की धरपकड़ की गई। साथ ही लिस्टेड 232 गुंडे व निगरानी बदमाश चेक किए गए। आने वाले समय में लगातार राजगढ़ पुलिस इस प्रकार की कॉम्बिंग गश्त का आयोजन करती रहेगी। इंडियन टीवी न्यूज से रामदयाल लोधा की रिपोर्ट। और कॉम्बिंग गश्त के दौरान हम लोगों ने बड़ी संख्या में वारंटियों को किया, धरपकड़ किया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 259 अरेस्ट वारंट और स्थाई वारंट, गिरफ्तारी और स्थाई वारंट, ऐसे लोग जो कई कई समय से फरार चल रहे थे, उनको पकड़ने में पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 250 से ऊपर संख्या में हम लोगों ने निगरानी बदमाशों की और गुंडों की भी चेकिंग की है। इस पूरी कॉम्बिंग गश्त के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग जो रात में अनावश्यक किसी काम से टहल रहे थे, घूम रहे थे, इनको भी रोक करके पूछताछ की गई, रोक टोक की गई। कुल मिलाकर के ये जो कॉम्बिंग गश्त हमारी थी, ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय से जो बदमाश हमारे फरार चल रहे थे, ऐसे बहुत सारे बदमाशों को हम लोगों ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। आगे भी हम लोग ऐसे ही आकस्मिक रूप से कॉम्बिंग गश्त और बदमाशों की धरपकड़ के अभियान को जारी रखें, ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये इसके पहले भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की थी। तो इसका लाभ लेते हुए मैंने एडिशनल एसपी साहब को बोला कि इसका भी प्रेस नोट हम बना करके इसको रिलीज कर देंगे। तो ये जानकारी आपके माध्यम से, कुछ तो फोटोग्राफ्स होंगे उनका, हाँ ठीक है, आप अलग से उपलब्ध करा दें। जो फरार वारंटी हैं, अपराधी हैं, गुंडे बदमाश हैं, निगरानी बदमाश हैं, इनकी चेकिंग के लिए और इनकी धरपकड़ के लिए एक अभियान हम लोगों ने चलाया है। और इसमें 13-14 रात की जो 13 और 14 की जो दरमियानी रात है, इसमें हम लोगों ने जिले के प्रत्येक थाने के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, मतलब जो आवश्यक 2-3 लोग होते हैं जो थाना देखने के लिए आवश्यक हैं, उनको छोड़ करके पूरा फोर्स हमारा, इंक्लूडिंग हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सभी एसडीओपी, सभी टीआई, और यहाँ तक कि मैं स्वयं, हम सब लोग पूरी रात में कॉम्बिंग गश्त में थे। और कॉम्बिंग गश्त के दौरान हम लोगों ने बड़ी संख्या में वारंटियों को
चेक किया, धरपकड़ किया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 259 अरेस्ट वारंट और स्थाई वारंट, गिरफ्तारी और स्थाई वारंट, ऐसे लोग जो कई कई समय से फरार चल रहे थे, उनको पकड़ने में पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 250 से ऊपर संख्या में हम लोगों ने निगरानी बंद। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।